विद्यार्थियों, आज हम रागंग वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। रागंग वर्गीकरण राग वर्गीकरण का एक बिल्कुल नवीन और अधुना एक नया आधारभूत वर्गीकरण है, जिसे रागंग वर्गीकरण कहते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि रागंग किसे कहा जाता है। रागों में ऐसे स्वर समूह होते हैं जिससे राग की छवि बनती है, और ऐसे ही स्वतंत्र छवि बनाने वाले स्वर समूहों को हम रागंग कहते हैं, तथा स्वतंत्र अंग वाले राग रागंग कहलाते हैं। रागंग प्रमुख राग कहलाते हैं। आधुनिक काल में रागंग वर्गीकरण पद्धति महत्वपूर्ण पायदान पर है। वैसे हम बात करें तो इस पद्धति का प्रादुर्भाव मध्यकाल से ही हो गया था। प्रसिद्ध ग्रंथकार कल्लीनाथ के अनुसार रागंग राग वे राग हैं जिनमें ग्राम राग की छाया हो। इससे ये माना जा सकता है कि एक मुख्य राग की छाया विशेष स्वर समुदायों में भिन्न भिन्न रागों में जब होती है तो वो विशेष रागंग कहा जाता है। मध्यकाल में इस प्रकृति का नाम भेद पद्धति के नाम से था। पंडित भाव भट्ट ने अपने ग्रंथ में 18 भेदों का योगदान दिया है, उसको भेद राग वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। मध्यकाल में इस तरह रागों के समुदायों का को सम्मिश्रित कर नए रागों का निर्माण किया जाना दृष्टिगत होता है। अमीर खुसरो का भी नए रागों के निर्माण में एक विशेष योगदान है। मध्यकाल में संगीत रत्नाकर में कुल 264 राग प्रचार प्रसार में थे, जिनमें 30 ग्राम राग, 8 उपराग, 20 राग, 96 भाषा राग, 20 विभाषा राग, 4 अंतरभाषा राग, 21 रागांग, 20 भाषांग, 15 क्रियांग तथा 20 उपांग रागों का भी उल्लेख मिलता है। मतंग के राग ग्रंथ में राग वर्गीकरण के सिद्धांत में भी रागंग नाम की संज्ञा का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह है कि मध्यकाल से ही रागंग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथ में किया। रागंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है राग का अंग। वह स्वसंगति जिससे राग स्पष्ट हो, राग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, उसको हम कहते हैं रागंग। जब प्राचीन व मुख्य रागों की स्वरावली अन्य रागों में प्रतिबिंबित होती है, वही उस राग का रागंग बन जाती है। जैसे प रे की संगति कल्याणंग में होती है और रेपा की संगति मल्हारंग होती है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने अपने ग्रंथ हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में प्रचलित मुख्य रागों के कुछ स्वर समूहों को चुना और उसके आधार पर अलग अलग राग वर्गीकृत किए। रागंग के मुख्य आधार क्या थे? रागंग का मुख्य आधार था किसी राग के आरोह में नियमित स्वरों को छोड़ना। दूसरा, विशेष प्रकार के आरोह अवरोह को क्रम को रखना विशेष प्रकार से। तीसरा, किसी राग की स्वर रचना विशिष्ट प्रकार से होना। काफी थाट में 5 अंग हैं, जैसे काफी थाट में 5 अंग हैं, काफी अंग, धनाश्री अंग, कानड़ा अंग, सारंग अंग और मल्हारंग। भातखंडे जी के तत्पश्चात भातखंडे जी के प्रमुख शिष्य श्री नारायण मुरीश्वर खरे ने अपने ग्रंथ संगीत शास्त्र दर्शन में मुख्य रागों को अंगभूत कर अनेकानेक स्वर समुदायों को चुना, ऐसे प्रचलित रागों को खोजा जिसमें मिश्रित करके रागों का निर्माण किया जा सके। इस प्रकार के रागों को एक वर्ग में रखकर रागंग कहा गया। उन्होंने ऐसे 30 राग चयनित किए, 30 रागंग चयनित किए। इसमें मुख्य थे कल्याण, बिलावल, खमाज, भैरव, काफी, मारवा, तोड़ी, पूर्वी, आसावरी, भैरवी, सारंग, ललित, भीमपलासी, श्री, विभास, पीलू, सोरठ, केदार, नट, कानड़ा, बागेश्वरी, शंकरा, हिंडोल, आसा, मल्हार, भूपाली, कामोद, भटियार, बिहाग तथा दुर्गा। ये पंडित नारायण मुरीश्वर खरे ने अपने 30 रागों को चुना जिनसे रागों को वर्गीकृत किया। उसके बाद प्रसिद्ध ग्रंथकार तुलसीराम देवांगन के अनुसार उन्होंने 16 मुख्य अंग चुने, जिसमें बिलावल, काफी, कल्याण, धनाश्री, सारंग, कानड़ा, मल्हार, खमाज, भैरव, गौरी, श्री, तोड़ी, मारवा, भैरवी, आसावरी, पूर्वी,
इस तरह 16 रागांग चुने जिनसे रागों को वर्गीकृत किया। रागांग वर्गीकरण के बाद पश्चात थाट राग वर्गीकरण की अवैज्ञानिकता सामने आई। उनका यह कहना था कि सिर्फ गणितीय आधार पर ही रागों को वर्गीकरण करके उनकी रंजकता को नहीं बढ़ाया जा सकता, अपितु उसमें एक राग के विशेष अंग को चयनित कर दूसरे रागों में जो सम्मिश्रित किया जाएगा तो वो वर्गीकरण ज़्यादा वैज्ञानिक और पुष्ट होगा। अब एक और शोध सामने आया कि राग का उल्लेख तो 9वीं शताब्दी में मतंग कृत बृहद्देशी में ही हो गया था, जबकि थाट शब्द आया है 15वीं शताब्दी में लोचन के ग्रंथ राग तरंगणी में। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राग थाट का जनक है या थाट राग का। ये बात सामने आई कि राग से थाट बने ना कि थाट से राग। जयसुखलाल त्रिभुवन झा के अनुसार राग के स्वरों में कुछ परिवर्तन करने से, स्वरों की संख्या घटाने बढ़ाने से तथा विशिष्ट स्वर संगतियों में वक्रत्व प्रदान करने से अन्य रागों को निर्मित किया गया, उसमें मूल राग का स्वरूप भी इस तरह से दिखता रहा तो उन्हें रागांग कहा गया। रागांग ही राग उत्पत्ति का तथा राग वर्गीकरण का मूल आधार है। रागांग द्वारा राग वर्गीकरण वैज्ञानिक एवं सहज और सरल बोधगम्य आधार है जिसको जाने बिना कोई अच्छा कलाकार नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त एक और आवश्यकता जो इसके लिए हमें महसूस हुई वो ये था कि नवीन रागों के का निर्माण, नवीनता हमारे परिवर्तन का मुख्य अंग है। जब नवीनता आएगी तभी परिवर्तन होगा, तभी हम नए खोज शोध कर पाएंगे। तो कई राग ऐसे बने जिनमें किसी एक थाट का निर्धारण करना बहुत दुष्कर लगने लगा। तो ऐसे जब थाट राग वर्गीकरण का जब बिल्कुल अवैज्ञानिक लगने लगा तब हमें एक ऐसे वर्गीकरण की आवश्यकता हुई जिसमें हम अंग के आधार पर रागों को वर्गीकृत कर नए नए रागों का निर्माण कर सकें, तो वो रागांग वर्गीकरण हुआ। एक अच्छा कलाकार अपनी प्रस्तुति में मुख्य राग के स्वरों में रागांग विशेष रूप से प्रयुक्त कर नए राग को प्रस्तुत करने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पर मियाँ की तोड़ी में तोड़ी अंग प्रधान है, किंतु भूपाली में भूपाली अंग लगाकर तोड़ी अंग में भूपाली अंग मिश्रित करके एक नया राग बन गया जिसको भूपाल तोड़ी कहा गया। अहिर भैरव में भैरव और काफी दो अंगों का सम्मिश्रण करके एक नया राग बना जिसको कहते हैं अहिर भैरव, जिसमें अहिर भैरव में पूर्वांग में भैरव अंग और उत्तरांग में काफ़ी अंग आया। तो पूर्वांग और उत्तरांग में अलग अलग राग था, अंगों का मिश्रण करने से नए नए रागों का निर्माण हुआ अहिर भैरव। उसमें जैसे नट भैरव में पूर्वांग में नट अंग है और उत्तरांग में भैरव है, तो उसको नट भैरव के नाम से राग को कहा गया। और तोड़ी और भैरव अंग के पृथक पृथक रागों की को मिश्रित करके उसमें जैसे बिलास खानी तोड़ी बनाया, भूपाल तोड़ी बनाया, सालक वराली बनाया, गुजरी तोड़ी बनाया और भैरव में अहिर भैरव बनाया, नट भैरव बनाया, बंगाल भैरव बनाया, शिवमत भैरव बनाया, तो अलग अलग तरह से इसमें रागों का निर्माण हुआ तो राग बने और नए नए रमी। और एक और बहुत विशिष्ट बात ये थी कि इन मिश्र रागों की रंजकता मुख्य रागों से कहीं अधिक थी। हमारे जो गायक या वादक या संगीतज्ञ अपनी प्रस्तुति में उन नवीन रागों को जो नए नए अंगों से निर्मित होकर के बने हैं उनको प्रयोग में लाने लगे और अपने कार्यक्रम की सफल प्रस्तुतियां देने लगे। तो निष्कर्ष रूप में आज के विद्यार्थियों को रागांग वर्गीकरण की जानकारी देना बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम कैसे दो अंगों को मिश्रित करके किसी नवीन राग का निर्माण कर सकते हैं और अपने गायन को, अपने ज्ञान को हम और वर्धन कर सकते हैं और नया राग बना सकते हैं। निष्कर्ष रूप में रागांग वर्गीकरण ही पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक एवं सहज और सरल है जिससे हम नित नए नवीन रागों की उत्पत्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।